अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के साथ वाइट बिरयानी की रेसिपी को शेयर करने लगी हूँ, तो चले आए इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइट बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हमने जब चावल जो उबालने हैं उसके लिए मैंने पानी ऑलरेडी रख दिया है और चावल भी मैंने धो के भिगो दिए हैं। तो ये चावल जो है थोड़े से डिफरेंट तरीके से हम उबालेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक मलमल का कपड़ा। उसके बाद जो है हम इसमें शामिल करेंगे, यहाँ मैंने 6 से 7 लौंग ले लिए हैं, 10 से 15 काली मिर्चें ले ली हैं, 2 मोटी इलायची ले ली हैं, 1 दालचीनी का टुकड़ा और मैंने 1 टीस्पून सौंफ का ले लिया है, 1 टीस्पून जीरा, 1 बैदियान का फूल और 3 तेज पत्ते और 4 जो है हरी मिर्चें ले ली है। तो हम इन तमाम चीजों की एक पोटली सी बांध लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ। देख सकते हैं कि मैंने पानी को उबलने रख दिया हुआ है, तो ये मैंने पोटली सी इसकी बना ली है। इसको हम पानी में डाल के तकरीबन 15 से 20 मिनट तक इसको अच्छा सा पकने देंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हमें आगे क्या करना होगा। अब हमें चिकन का मसाला जो बनाने के लिए चीजों की जरूरत है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है, साथ में मैंने 1/3 कप क्रीम का लेके उसमें 1/4 कप जो है काजू के मिला के और इस तरह इसकी पेस्ट बना ली है। साथ में मैंने 1 लार्ज प्याज लेके इसको बारीक चॉप कर लिया है और तकरीबन 1/2 कप प्याज जो है मैंने ये तली हुई ली है, मैंने रेडीमेड ली है, आप चाहें तो घर में खुद तल के बना सकते हैं। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूंगी हरा धनिया और पुदीना और साथ जो है खुश्क मसालों में हम शामिल करेंगे 1 and 1.5 teaspoon जो है सॉल्ट का इस्तेमाल करूंगी, 1 teaspoon सफेद मिर्चों का, 1 teaspoon ही मैं काली मिर्चों का इस्तेमाल करूंगी और 1/2 teaspoon मैंने जायफल और जलवत्री का ले लिया है पाउडर, 1 teaspoon हम इस्तेमाल करेंगे जीरा और 10 से 15 काली मिर्चें और 4 से 5 सब्ज इलायची और 2 जो है मोटी इलायचियां इस्तेमाल करेंगे। और साथ में मैं ले रही हूँ यहाँ पे 3 टेबलस्पून जितना देसी घी, उसका मैं इस्तेमाल करूंगी। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे और जो है इसमें मैं तकरीबन 1 कप जो है ऑयल का इस्तेमाल करूंगी। तो आए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। इसमें हम तकरीबन 1 टीस्पून जितना केवड़ा वाटर उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तो हमने जो है पैन को रख लिया है चूल्हे पे और इसमें हम अब ऑयल डाल देते हैं। सबसे पहले हम इसमें अपना खड़ा गरम मसाला डाल लेंगे जिसमें जीरा, काली मिर्च, इलायची और मोटी इलायची शामिल है। इसके अलावा हम इसमें 1 कप दही का डालेंगे जो मैं आपको बताना भूल गई थी, वो कब डालेंगे वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो अब ये थोड़ा सा हमारे मसाले इसमें पक लेते हैं तो फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। मसाले पकने लगे हैं तो इसमें हम प्याज शामिल कर देते हैं और इसको हल्का सा भून लेते हैं। इसको हमने लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, बस सॉफ्ट होने तक इसको हमने भूनना है हल्का सा। तो इसको जो है 1-2 मिनट तक हम पका लेते हैं और फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। देखते हैं कि प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं तो इसमें हम जो है अपना चिकन शामिल कर देते हैं और उस वक्त तक चिकन को हम भून लेंगे जब तक कि चिकन अपना कलर चेंज नहीं कर देता। तो इसको हम अच्छा सा भून लेते हैं फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। अब हम जो है इसमें 1 टेबल स्पून भर के जो है अदरक का डाल देते हैं और 1 टेबल स्पून भर के ही हम इसमें लहसुन का शामिल कर देते हैं। तो इसको हम अच्छा सा भून लेते हैं। इसको भी हम मिला के अच्छा सा भून लेते हैं फिर मैं आपको आगे बताती हूँ। अब इसमें हम तमाम खुश्क मसाले डाल देंगे जिसमें सफेद मिर्च का पाउडर है, काली मिर्च का पाउडर है, जायफल जलवत्री का पाउडर है और सॉल्ट है। तो इन तमाम मसालों को भी मिला देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हम इसमें जो है अपना 1 कप दही जो था उसको अच्छा सा मैंने फेंट लिया और उसको हम शामिल कर देते हैं और साथ ही मैंने तेज वाली हरी मिर्चें ली थी 6 से 7 तो उनको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब उसको भी मैं इसके साथ ही शामिल करके और खूब अच्छा से इनको हम भून लेंगे। तो ये मैंने दही भी शामिल कर दिया है, इसको हम जो है ढक देते हैं और इसको जो है 5 से 7 मिनट तक ढक के बना लेते हैं और फिर हम आंच तेज करके इसको अच्छा सा भून लेते हैं ताकि हमारी चिकन भी अच्छे से गल जाए। तो अब इसको मैं ढक के पकाती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कि 15 से 20 मिनट हो गए हैं और मैं अब इस पोटली को
पानी में से निकालूंगी और इसको अच्छा सा प्रेस कर लेंगे ताकि तमाम अर्क जो है हमारा पानी में निकल आए और इस पोटली को अब आप डिस्कार्ड कर दें। अब इसमें तकरीबन मैं 2 टेबलस्पून सॉल्ट के डालूंगी और 3 टेबलस्पून तली हुई प्याज डाल के और चावलों को बॉइल कर लूंगी। 2 टेबलस्पून मैं नमक के डाल दिए और साथ ही इसमें मैं 3 टेबलस्पून जितना प्याज इसमें शामिल करूंगी तला हुआ। और अब हम इसमें अपने चावल शामिल कर देते हैं और उसको उसी तरह चावल उबाल लेंगे जैसे कि हम ये आम बिरयानी के लिए उबालते हैं। अब हम इसमें इसका पानी आप देख सकते हैं कि खुश्क होने वाला है, तो अब हम इसमें जो है अपनी मलाई और काजू जो मैंने पेस्ट बना के रखा था वो हम इसमें शामिल करके अच्छा सा मिक्स करके और इसको भी साथ में भून लेते हैं। तो इसको भी साथ में मिला के अच्छा सा भून लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा मसाला भी अच्छा सा भून चुका है और सारा ऑयल जो है अब नजर आने लग गया है, तो इसकी अच्छी सी भुनाई हो गई है। तो इसमें हम जो है मैं आधा हरा धनिया और पुदीना इसमें शामिल कर देती हूँ और इसको हम अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको 1-2 मिनट और भून लेते हैं। जो है चावलों की लगा दी है और हमारा ये जो चिकन बनके तैयार हुआ है इसको हम इस पे सारा तमाम डाल देंगे। इस तरीके से तमाम चिकन जो है हम इन चावलों के ऊपर डाल देते हैं और इसको अच्छा सा यूं फैला देते हैं। उसके बाद हम अपने तमाम दूसरे चावल जो है बाकी के वो भी इसके ऊपर सारे डाल देते हैं। हमने इस पे तमाम चावल डाल दिए। अब हम इस पे डालेंगे अपनी तली हुई प्याज साथ ही हम इस पे डाल देंगे हरा धनिया और पुदीना साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 3 से 4 हरी मिर्चों को कट करके एक दो यूं साबुत ही डाल देते हैं, इनको भी ऐसे कट कर लेते हैं और साथ में मैं इसमें डालूंगी रियू कोवड़ा 1 टीस्पून जितना हम डाल देंगे और साथ ही अब इसमें हम शामिल कर देंगे अपना देसी घी। तो देसी घी हम डाल देंगे और अब इसको सिर्फ हम 5 मिनट के लिए दम पे रखेंगे और 5 मिनट इसको दम लगाने के बाद आप कोई भी एल्युमिनियम फॉइल से या कपड़े का या अखबार का जिसका भी दम देना चाहते हैं 5 मिनट के लिए इसको दम देंगे और उसके बाद फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक। आप देख सकते हैं कि 5 मिनट हो गए हैं मुझे दम इसको लगाए, अब इसका हम जो है दम मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। बहुत ही जबरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से, तो अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। ये देखें कितनी शानदार हमारी बिरयानी बनी है, वाइट वाइट और चावल देखें कैसे खिले खिले निखरे निखरे बने। तो इन तमाम को अच्छा सा मिक्स कर लेते हैं और फिर मैं आप लोगों को डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं कि हमारी बहुत ही मज़ेदार वाइट बिरयानी बनके तैयार है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा आप लोगों को कैसी लगी। और मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।